सो गाइस, जब भी यहाँ पे आप कोई एक वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपको मेनली यहाँ पे दो चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली रहती है डोमेन नेम एंड सेकंड रहती है होस्टिंग। सो होस्टिंग के ऊपर तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको बेस्ट होस्टिंग आप कैसे चूज कर सकते हैं, मतलब कि बेस्ट होस्टिंग ऑल ओवर क्या है वो मैंने उस वीडियो में बताया। तो मिक्स हो भैया उस वीडियो को देखो अगर आप होस्टिंग परचेज करने का सोच रहे हो। सो इस वीडियो में यहाँ पे आप डोमेन नेम के बारे में बात करने वाले, एज यहाँ पे हम होस्टिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। सो सबसे पहले भाई ये बात करना है यहाँ पे डोमेन नेम होटक है। सो डोमेन नेम इंस्टॉल बनाओ तो भाई दो पार्ट से मिली, वन टेक टू राइट आई नेम एंड सेकंड राइट आई डोमेन। सो इसको यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बेटर समझते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो उसमें गूगल ओपन करा हुआ है, जो कि मतलब हर कोई यहाँ पे ओपन करता है नॉर्मल चीज़ है। सो यहाँ पे अगर आप टॉप पे नोटिस करोगे तो हमें देखने को मिलेगा google.com, एंड google.com बेसिकली गाइस यहाँ पे गूगल का यहाँ पे डोमेन नेम है। एंड इसका ना भाई जो कि गूगल है यहाँ पे नेम है, जो कि मेनली वेबसाइट का नेम है जो कि गूगल ही है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा .com है, एंड .com भाई यहाँ पे हमारा डोमेन है। एंड डोमेन यहाँ पे भाई मल्टीपल टाइप के होता है, लाइक कुछ एक जनरिक डोमेन नेम होते हैं एंड कुछ यहाँ पे भाई कंट्री टारगेटेड डोमेन नेम रहते हैं। एंड .com भाई यहाँ पे एक जनरिक डोमेन नेम है, जो कि बेसिकली यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे चलता है। एंड जो भाई यहाँ पे कंट्री टारगेटेड डोमेन नेम रहता है वो भाई स्पेसिफिक उसी कंट्री के अंदर मेनली टारगेट होते हैं, मतलब कि रैंकिंग वगैरह मिलनी वहाँ पर होती है। सो .com भाई जर्नी का डोमेन नेम है, जो कि बेसिकली यहाँ पे ऑल ओवर सारी कंट्री के अंदर यहाँ पे वर्क करता है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है कंट्री टारगेटेड डोमेन नेम मिल जाता है, लाइक .in हो गया, जो कि बेसिकली यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सो ये तो भाई यहाँ पे बात हो गई यहाँ पे डोमेन नेम की, यहाँ पे डोमेन एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक यहाँ पे .com डोमेन के में बात करने वाला हूं। ज़्यादातर भाई यहाँ पे लोग जो है .com डोमेन को ही प्रेफर करते हैं, एज वो यहाँ पे एक जर्नी डोमेन नेम है, जो कि बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पे चलता है। तो इसलिए यहाँ पे हर कोई भाई यहाँ पे .com को ही लेना चाहता है। एंड इस वीडियो में मैं .com डोमेन के बारे में बात करने वाला हूं कि यहाँ पे आप .com डोमेन को कहाँ पे ले सकते हो एंड कहाँ पे यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस उसका देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पे भाई मैं आपको कोई ऐसा वेबसाइट नहीं बताऊंगा जहाँ पे आपको 100 रुपये में, 10 रुपये में, मतलब कि 200 रुपये में, 300 रुपये में आपको डोमेन देखने को मिले। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर साइट बताऊंगा जो कि यहाँ पे 100% ट्रस्टेड रहेगा, ताकि आप उस डोमेन को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर भी यूज़ कर पाओ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भाई आपको डोमेन लेना है तो यहाँ पे आप 100-200 रुपये में जो डोमेन देते हैं उन सारी साइट्स पर जा सकते हो। बेसिकली गाइस जो ये 100-200 रुपये में डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे नए साइट रहते हैं एंड इनका भाई यहाँ पे कोई भरोसा नहीं रहता है भाई ये कब तक चलेगा एंड कब तक नहीं चलेगा। एंड डोमेन नेम भाई यहाँ पे हमारा एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का। अगर आपका डोमेन नेम चला गया तो उसमें मतलब भाई आपका सब कुछ चला गया। सो इसलिए भाई मैं आपको वो सारी साइट्स यहाँ पे दूर रहने को ही रिकमेंड करूँगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मैं कौन सा साइट को रिकमेंड करता हूँ जहाँ से यहाँ पे आप .com डोमेन काफ़ी कम प्राइस में परचेज कर सकते हो। सो जो साइट भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है नेमचीप। तो जस्ट यहाँ पे आप गूगल में नेमचीप लिखोगे, आपने इसका होस्ट का नाम सुना भी हो, तो जैसे यहाँ पे आप नेमचीप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं नेमचीप.com एंड सबसे टॉप पे भाई आपको देखने को मिला है कि आपको .com डोमेन ओनली $649 के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो इस करेंसी में यहाँ पे इंडियन रुपीज़ करना चेंज कर सकते हो। एंड इंडियन रुपीज़ में आप देख सकते हो आपको कुछ 544 रुपीज़ में यहाँ पे .com डोमेन मिला है, जो कि मेरी सबसे बेस्ट प्राइस है .com डोमेन के लिए, जो कि यहाँ पे बाकी साइट्स यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस है। कुछ कुछ साइट भाई यहाँ पे .com डोमेन को 800 रुपये में देते हैं, आजकल तो भाई यहाँ पे 1000-1000 रुपये में यहाँ पे .com डोमेन को सेल कर जा रहा है। सो उस प्राइस को देख के भाई ये प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड मैं भी खुद भाई यहाँ पे जितने भी डोमेन नेम लेते हैं यहाँ पे नेमचीप से लेता हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो भाई यहाँ पे डोमेन के यहाँ पे प्राइस आपको काफ़ी अच्छे जो है देखने को मिले हैं। साथ में भाई नेमची यहाँ पे काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नेमची यहाँ पे सिंस जो है 2000 से चल रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही पुराना कंपनी है, मतलब लगभग यहाँ पे 24 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं नेमची को चलते हुए, जिससे ही पता लगता है यहाँ पे नेमची यहाँ पे काफ़ी ट्रस्टेड साइट है। एंड यहाँ पे भाई आप अपनी बड़ी बड़ी कंपनी के बड़ी बड़ी साइट्स के लिए डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। कोई यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं कि यहाँ पे बाद में कंपनी बंद हो जाएगी वो जाएगी। एंड डोमेन नेम परचेज करना नहीं आता तो सिंपल रहता है आपका जो भी आपको नेम लेना है डोमेन का वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं कोई डोमेन नेम टाइप कर लेता हूँ एंड देन जैसे यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करना, फिर ही आपको बता देगा डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। एंड अगर डोमेन यहाँ पे अवेलेबल होता है तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, बाकी नहीं होता तो यहाँ पे आप डोमेन को थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे उसे परचेज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी के लिए प्राइस हमें 754 रुपीज़ दिखा रहा है एंड इसको यहाँ पे आप 500 रुपये कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। सो इस प्राइस की कैसे आपको बगल में यहाँ पे प्रोमो कोड देखने को मिलेगा, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भाई ये प्रोमो कोड लिख के दे दूंगा अगर आपको स्क्रीन पे भी आ रहा हो। सो इस प्रोमो कोड को जैसे आप कॉपी कर लेना एंड जस्ट फिर आप ऐड टू कार्ट करना एंड जस्ट फिर आपको चेकआउट पे क्लिक करना है एंड फिर आपके सामने चेकआउट का पेज आएगा एंड देन जैसे आपको यहाँ पे प्रोमो कोड वाले सेक्शन पे आना है एंड जस्ट यहाँ पे जो प्रोमो कोड कॉपी करा है उसे पेस्ट करो
अप्लाई करो तो आपको ये अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें नोटिफिकेशन दे रहा है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक मैसेज दे रहा है कि हमको प्रोमो कोड अगर अप्लाई करना है तो हमको पहले यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, कह रहे हो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे हमको प्रोमो कोड अप्लाई करने के, कह रहे हो अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, कह रहे हो क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं तो भाई यहाँ पे पहले एक अकाउंट जो है क्रिएट, क्योंकि भाई ये प्रोमो कोड ओनली न्यू यूजर पे अप्लाई है एंड ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट है तो उस पर तो यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई नहीं होगा। एंड अब यहाँ पे हम अपना प्रोमो को अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे आप आपको न्यू कॉम 649 का प्रोमो कोड डालना है एंड जैसे अप्लाई करना है, एंड जैसे अप्लाई करोगे तो देख सकते हमारा कूपन कोड यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर हमारा प्राइस देखोगे तो कुछ 559 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है, एंड जो कि यहाँ पे आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। तो जस्ट फिर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है एंड पेमेंट कंप्लीट करना है एंड आपका डोमेन यहाँ पे इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। एंड एक सिर्फ यहाँ पे नोट करना है कि अगर आपको यहाँ पे नेमचिप से डोमेन नेम परचेज करना है तो आपको यहाँ पे कम से कम एक इंटरनेशनल कार्ड की नीड होने वाली, क्योंकि वीज़ा कह दो मास्टर हो तो ही चलेगा। तो मेनली यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे कार्ड वाला है, बाकी आप कार्ड किसी से बोरो कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, बाकी आपके पास है तो वो बढ़िया है ही है। सो बस भाई इसी वीडियो में इतना ही रखता हूँ, उम्मीद करूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो इस वीडियो को हमें लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना। सो मिलता हूँ उससे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।